देश के कोचिंग जगत की सबसे बड़ी खबर आज आपको कोचिंग सिटी कोटा से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कोटा कोचिंग ने अभी तक के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं और तैयारी कर ली है नए कीर्तिमान कायम करने की। ये कीर्तिमान न सिर्फ कोचिंग स्टूडेंट्स की तादाद के मामले में बल्कि साथ ही साथ कोटा का जो कोचिंग कारोबार है उसके बूम के मामले में भी। अभी तक कोटा कोचिंग 3 से 4 हज़ार करोड़ की मानी जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर बड़ी तादाद में फ्रेश एडमिशन्स हो रहे हैं, अब ये पूरा का पूरा कारोबार 5 से 6 हज़ार करोड़ के आंकड़े को पार करने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान की झलकियां दिखाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए आप देखिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये सेल्फी पॉइंट्स आप देखिए, और इन सेल्फी पॉइंट्स में कोटा के जो नए मॉन्यूमेंट्स हैं, खासकर कोटा रिवर फ्रंट की जो झांकी है वो शामिल है। माँ चंबल को यहाँ पर दिखाया गया है और पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आपको बताएं कि फिलहाल कोचिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर दाखिला लेने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देखिए जिस तरफ भी यहाँ आपकी नज़र जाएगी, यहाँ आपको बहुत से ऐसे समूह नज़र आएंगे जो कि फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आए हैं और अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार ओरिएंटेशन सेशन भी हो रहे हैं और इन्हीं में से कुछ लोगों से मैं आपकी बात करने की भी कोशिश करूंगा। आप कहाँ से पधारे हैं? बांसवाड़ा से आया हूँ भाई। बांसवाड़ा से आए हैं तो यहाँ किसका दाखिला करवा रहे हैं? मेरे बेटे का। अच्छा, मेडिकल या इंजीनियरिंग? नहीं, इंजीनियरिंग के लिए। क्या वजह है कोटा चुना आपने? बेस्ट है और बच्चे का चॉइस है, मेरा नहीं है। ये उसका। आप कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा। आप भी बांसवाड़ा से? कोटा क्यों आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को कोटा में कोचिंग करानी? एक्चुअली मेरे सारे कजिन्स भी और उनके बच्चे भी यहीं से पढ़े हैं, तो मैंने शुरू से कोटा की बारे में अच्छे ही व्यूज़, और बच्चे का भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कोटा के लिए था। तो देखिए प्रेफरेंस कोटा होता है। कुछ स्टूडेंट से बात कराएंगे आपकी। कौन सी क्लास के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं? 12th के लिए। 12th के लिए। इंजीनियरिंग या मेडिकल? मेडिकल। मेडिकल। तो क्या वजह है कि आपने ये तय किया कि कोटा में कोचिंग करूँगी? क्योंकि कोटा में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं एलएन से। आप कहाँ से हैं? सांचौर से। क्या नाम है आपका? इंदु बिश्नोई। तो देखिए इंदु बिश्नोई सांचौर से आई है। बांसवाड़ा से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। देखिए राजस्थान से बड़ी तादाद में यहां पर जो है पेरेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और इसके अलावा देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां से भी लोग पहुंच रहे हैं अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर दाखिला करवाने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएँ। लगातार हर तरफ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट्स मिलेंगे। भाई साहब नमस्कार, कहाँ से बता रहे हैं आप? हम सूरत से आए हैं। सूरत से पधारे हैं, किसका दाखिला करवा रहे हैं? अपनी बड़ी बिटिया का। अच्छा, हाँ जी। तो सूरत में कोचिंग नहीं है क्या? नहीं, कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाती। एलएन की ही बहुत सारी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं बेसू में और अड़ाजन में, लेकिन क्या है कि वहाँ पर वो स्टडी मटेरियल्स वगैरह या और भी शिक्षण व्यवस्थाएँ अच्छी नहीं होने के कारण से इतनी दूर प्रवास में आना पड़ रहा है। चलिए तो देखिए सूरत से पहुंच रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग राज्यों से अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के कोटा पहुंच रहे हैं। और आप देखिए एक और स्टूडेंट आपको यहां पर नजर आएंगे जो शायद यहीं पर दाखिला कराने के लिए आए हैं। कहां से आए हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ। तो महाराष्ट्र से कोटा तक का सफर लंबा नहीं हो गया? बहुत ज्यादा। क्या सुना है अभी तक आपने कोटा के बारे में? बहुत अच्छा सुना है, मतलब यहाँ का एजुकेशन, यहाँ के एजुकेशनल फैसिलिटी, फैकल्टी सारी अच्छी है, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा एजुकेशनल है, सो हमने ये कोटा चूज किया। कौन सी क्लास में है अभी आप? अभी मैं 11th में हूँ। 11th में। क्या तय किया है आगे करियर में? हाँ, इंजीनियरिंग करना है। क्या नाम है आपका? अनुष्का चिंतलवार। देखिए तो अनुष्का से आपकी बात कराई हमने, महाराष्ट्र से अनुष्का भी आई हैं, और देखिए दूर दूर से यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं, पेरेंट्स पहुँच रहे हैं, और आपको आंकड़ा अगर समझाने और दिखाने की बताने की कोशिश करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कोटा कोचिंग में 2.5 लाख के आसपास दाखिले होने वाले हैं, और इसके साथ ही कोटा का जो कोचिंग कारोबार है वो भी नई ऊंचाइयां छूने वाला है। तो कुल मिलाकर के कोचिंग सिटी कोटा नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहा है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड कोटा में एक कोचिंग बूम देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कोटा।